की जानिब से आज मुंबई के मानकुर्द के अंदर मुस्लिम आरक्षण के पूरे महाराष्ट्र के कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके आयोजन के वक्त में हम पिछले हमारे उस्मानाबाद के अधिवेशन के अंदर हमने एक डिमांड रखी थी, जिसके अंदर हमने ठराव पास किया था कि मुस्लिम समाज की महाराष्ट्र के अंदर की वक्फ की जमीनें वो मुस्लिम समाज के वापस की जाए, उसके ऊपर का अतिक्रमण हटा जाए। सरकार ने जिन मुस्लिम वक्फ की जमीनों को ताबे में लिया है उनसे खाली करके वो मुसलमानों के ताबे में दे, इस तरीके की मांग हमने उस्मानाबाद के अधिवेशन में की थी, लेकिन महाराष्ट्र शासन ने उसको उस मांग को नज़रअंदाज करते हुए आज दिन तक मुस्लिम समाज के वक्फ की प्रॉपर्टी उनके समाज को वापस नहीं की, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज के एक नौजवान होनहार ने आज करजत शहर के अंदर इस शासन को जगाने के लिए कई बार आंदोलन किए और कई बार ये रिक्वेस्ट की कि वक्फ की जमीन जो है दावल शाह मलिक वक्फ की जो जमीन थी उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। नगर पालिका ने वैसा आश्वासन भी दिया था, लेकिन अपने आश्वासन की पूर्तता नहीं होने के वजह से अतीक अहमद ने तौसीफ अहमद ने इस को अपने बहुत ज्यादा दिल पे लिया और शासन को बार बार ये रिक्वेस्ट करने के बाद में भी उन्होंने शासन ने उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। आज हमारा एक नौजवान हमारे समाज ने खोया है और हम शासन को ये जता देना चाहते हैं कि आज हमारे नौजवान ने जो ये वक्फ की जमीन के लिए कुर्बानी दी है उस कुर्बानी के एवज में उस के घर में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से आप हर समाज के लोगों को ताथड़ी ची मदद देते हैं, किसी रेपिस्ट को आप ताथड़ी ने मदद करते हैं, उसी तरीके से इसके घर वालों को भी ताथड़ी ची मदद दी जाए और वक्फ की जितनी भी जमीन है तुरंत खाली की जाए और कुर्बानी का रास्ता ना देके हुकूमत को यह आज हम मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के माध्यम से इशारा देना चाहते हैं। उसी तरीके से जिन जिन अधिकारियों ने इस विषय के अंदर नजरअंदाज किया करने की कोशिश की उनके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना ताबड़तोब दाखिल किया जाए। गेल्या 2 दिवसापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये तौफिक असलम हा वक्फ मंडळाचा थेट बळी पडलेला आहे। गेली अनेक वर्ष वक्फ मंडळावरती राजकीय षंड लोकांनी अतिक्रमण केलेलं आहे। 40% राजकीय दृष्टिकोनातून अतिक्रमण झालेलं आहे, 20% अतिक्रमण हे शासकीय प्रमाणात झालेलं आहे, 20% न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे आणि 10-20% जमीन ही फक्त वक्फ मंडळाच्या ताब्यात आहे। गेली अनेक वर्ष या समाजाला ताटकळीस ठेवून या मुस्लिम समाजाला जी वक्फची जमीन आहे ती न देता ही परस्पर लाटण्याचं कटकारस्थान या राज्य सरकारच्या लोकांनी केलेलं आहे। त्यातून त्यात हे आपल्या बापाची मक्तेदारी समजून ही जमीन लाटण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यातूनच ही घडलेली आत्महत्या नसून ही शासकीय हत्या आहे याचा तीव्र निषेध करून महाराष्ट्रामध्ये त्या तौफिक शेख याला न्याय मिळवून देण्यासाठी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती व इतर सहकारी संघटनांना एकत्रित आणून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे। तौफिक शेख याला कंपन्सेशन मिळावं, त्याच्या घरच्या लोकांना शासकीय नोकरीमध्ये सामील करून घेण्यात यावं आणि त्याला दिलेली ही मुख्यमंत्र्यांची निधीतली भीक न देता त्याच्या घरातल्या कोणत्याही प्रतिनिधींना नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे अशा आमच्या मागण्या आहेत। या बाबतीत राज्य सरकार जर गंभीर दखल घेत नसेल तर येणाऱ्या काळामध्ये आणि विशेष म्हणजे 3 जानेवारीपासून हे आंदोलन तीव्र आणि उग्र होणार आहे। तौसीफ का जो मृत्यू हुआ है उसका सारा समाज को बहुत अफसोस है। तौसीफ ने जिस कारण की वजह से आत्मदहन किया है, खुदकुशी की है, उसके लिए जिम्मेदार हम सरकार को ठहरा रहे हैं, क्योंकि वक्फ की जमीन पर कई सालों से ये कहा जा रहा है कि वक्फ की जमीन को कई सालों से वक्फ माफियाओं ने हड़प कर रखा है और उसके लिए वो आंदोलन चला रहा था, लेकिन उसके आंदोलन के इशारों को नहीं समझते हुए सरकार ने पूरी तरह से उसको निग्लेक्ट किया।
और जिसका नतीजा आज हमारा एक नौजवान खोए हैं हम लोग, और उसकी कुर्बानी ये जाये नहीं जाएगी। ये मैं चंद्रपुर जिले की तरफ से ये शासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर 3 तारीख तक अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, उसके गुनाहगारों को सजा के लिए उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, उस पर हत्या का इल्जाम गुनाह नोन नहीं किया जाता है, उसके घर वालों को नौकरी नहीं दी जाती है, या स्पेशल गवर्नमेंट के तरफ से कुछ पैसा अलॉट नहीं किया जाता है, तो हमारा आंदोलन बड़ा तीव्र होगा।